गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन समीकरण द्वारा उष्मा गति की मात्रकों का निर्धारण। नॉन समीकरण द्वारा उष्मा गति की मात्रकों का निर्धारण। नॉन समीकरण द्वारा उष्मा गति की मात्रकों का निर्धारण, जिसमें हम पढ़ेंगे डेल्टा जी, उष्मा गति की मात्रक डेल्टा जी, डेल्टा एच और के इक्विलिब्रियम। ठीक है, डेल्टा जी, डेल्टा एच और के इक्विलिब्रियम उष्मा गति की मात्रकों का नॉन समीकरण द्वारा निर्धारण। ठीक है, अब पहली हेडिंग लगा लेते हैं जिसमें से डेल्टा जी का निर्धारण, डेल्टा जी का निर्धारण। सबसे पहले तो डेल्टा जी क्या है, हम सब जानते हैं डेल्टा जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए नॉन समीकरण द्वारा डेल्टा जी का निर्धारण कैसे करते हैं। नष्ट समीकरण से सेल विभव, नष्ट समीकरण से सेल विभव ज्ञात करके हम डेल्टा जी का मान ज्ञात कर सकते हैं या मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। नष्ट समीकरण से सेल विभव को ज्ञात करके हम डेल्टा जी यानी कि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नष्ट समीकरण से सेल विभव ज्ञात कर, नष्ट समीकरण से सेल विभव ज्ञात कर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। ज्ञात कर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, नॉन समीकरण से हम किसको ज्ञात करेंगे, सेल विभव को ज्ञात करके फिर सेल विभव से हम मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं उष्मा गतिकी के अनुसार, देखिए उष्मा गतिकी के अनुसार जो सेल विभव E है, सेल विभव E है, उष्मा गतिकी के अनुसार सेल विभव E उपयोगी कार्य, जिसे हम क्या कहते हैं, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी, उपयोगी कार्य डेल्टा जी में कमी के क्या होता है, समानुपाती होता है। सेल ऊष्मा गतिकी के अनुसार सेल विभव की उपयोगी कार्य में कमी के समानुपाती होता है, उपयोगी कार्य डेल्टा जी में कमी के समानुपाती होता है। और डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ऊष्मा गतिकी के अनुसार क्या है, सेल विभव की उपयोगी कार्य डेल्टा जी में कमी के क्या होता है, समानुपाती होता है या कमी के बराबर होता है। तो देखिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में कमी, और मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या है, उपयोगी कार्य है डेल्टा, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी कि डेल्टा जी, डेल्टा जी क्या है, उपयोगी कार्य कहलाता है। ठीक है, तो उपयोगी कार्य में कमी सेल विभव E के बराबर होता है। ठीक है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में कमी इज इक्वल टू सेल विभव या सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल विभव या फिर सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य। मुक्त ऊर्जा में, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में कमी जो है वो सेल द्वारा किए गए कार्य की क्या होती है, बराबर होती है। और मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में कमी को हम कैसे दर्शाएंगे, माइनस डेल्टा जी से, इज इक्वल टू सेल द्वारा किया गया कार्य या फिर हम कह सकते हैं सेल विभव E, उसको कैसे दर्शाएंगे, एन एफ ई सेल, एन एफ ई सेल। ठीक है, एन एफ ई यहाँ पे लिख देंगे सेल। ठीक है, अब यहाँ पे एन क्या है, एन तो है अभिक्रिया में,
F क्या है? F है फैराडे कांस्टेंट, फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6500 कूलम होती है। जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6500 कूलम। N क्या है? 10 समीकरण विद्युतीय रूप से संतुलित सेल अभिक्रिया में इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में लिख देती हूँ। N क्या है? 10 समीकरण मितीय, 10 समीकरण मितीय संतुलित सेल अभिक्रिया में, 10 समीकरण मितीय संतुलित सेल अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 10 समीकरण मितीय संतुलित सेल अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? N है। ठीक है, F क्या है? फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे नियतांक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6500 कूलम होती है। जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6500 कूलम होती है। और E सेल क्या है? E सेल का विभव है या सेल द्वारा किया गया कार्य है। E सेल क्या है? सेल का विभव या सेल द्वारा किया गया कार्य। और डेल्टा G क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, या हम इसको कह सकते हैं उपयोगी कार्य। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी क्या है? उपयोगी कार्य कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमको ई नर समीकरण से हम ई सेल ज्ञात कर देते हैं, तो हम ई सेल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? डेल्टा जी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नर समीकरण से ई सेल की वैल्यू ज्ञात करके इस समीकरण में लगते कि फैराडे की वैल्यू अपन को पता है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 6500 है। और N की वैल्यू संतुलित अभिक्रिया से हमको पता चल जाएगी N की वैल्यू। ठीक है, जिस अभिक्रिया के लिए या जिस सेल अभिक्रिया के लिए अपन को सेल विभव ज्ञात करना है, डेल्टा जी ज्ञात करना है, जब जो भी अपन को अभिक्रिया दी हुई है संतुलित अभिक्रिया, उसमें जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो क्या होगी? N होगी। ठीक है, वहां से अपन को N की वैल्यू पता चल जाएगी। फैराडे की वैल्यू अपन को पता है 6500 कूलम होती है। और नर्स समीकरण से क्या पता चल जाएगा? ई सेल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इन तीनों के मान रखकर हम क्या कर सकते हैं? डेल्टा जी का निर्धारण कर सकते हैं या डेल्टा जी ज्ञात कर सकते हैं, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नर्स समीकरण द्वारा मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का निर्धारण किया जाता है। इस तरह से नर्स समीकरण द्वारा मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, फिर हम दूसरा इसका दूसरा ऊष्मागतिकी कौन सा है? मात्रक डेल्टा एच का निर्धारण। दूसरा ऊष्मागतिकी मात्रक है डेल्टा एच का निर्धारण। ठीक है, डेल्टा एच का निर्धारण। तो देखिए, दूसरा कौन सा लिया हमने? दूसरा ऊष्मागतिकी मात्रक कौन सा है जो हम नर्स समीकरण द्वारा निर्धारित करेंगे? डेल्टा एच, ये क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन है। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन कहलाता है का निर्धारण। ठीक है, देखो, नर्स समीकरण से ई सेल या सेल विभव ज्ञात करके नर्स समीकरण से प्राप्त सेल विभव से डेल्टा जी ज्ञात करने के बाद उसका मान गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण में रख के एंथैल्पी परिवर्तन या डेल्टा एच का मान ज्ञात किया जाता है। सेल नाश समीकरण से प्राप्त सेल विभव से डेल्टा जी ज्ञात करने के बाद इसका मान जो है वो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण में रख के हम डेल्टा एच की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं या डेल्टा एच का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, वापस से एक बार कि नर्स समीकरण से प्राप्त सेल विभव से डेल्टा जी ज्ञात करने के बाद डेल्टा जी की वैल्यू, जब वैल्यू हमको ज्ञात हो जाएगी, डेल्टा डेल्टा जी की
वैल्यू जब हमको ज्ञात हो जाएगी सेल विभव से, तो उस डेल्टा जी की वैल्यू को गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण में रख के हम डेल्टा एच का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण क्या होता है देखिए, सबसे पहले तो नॉन समीकरण से प्राप्त समीकरण से प्राप्त सेल विभव, नष्ट समीकरण से प्राप्त सेल विभव से डेल्टा जी ज्ञात करने के बाद उसका मान किसमें रखना है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण में, उसका मान गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण में रखकर डेल्टा एच का निर्धारण किया जाता है, या डेल्टा एच ज्ञात किया जाता है, का डेल्टा एच का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण क्या है, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण हम ऊष्मागतिकी सेकंड में पढ़ चुके हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण के बारे में, ठीक है। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट टी। ये क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण, ये क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब इसको हमने लगा लिया समीकरण नंबर एक, इसको क्या लगा लिया हमने, समीकरण नंबर एक। अब इससे पहले हमने क्या किया था, डेल्टा जी इक्वल क्या था, डेल्टा माइनस डेल्टा जी इक्वल क्या था, एफ एफ टी, क्या था, एफ एफ टी सेल था, डेल्टा जी इक्वल माइनस डेल्टा जी इक्वल क्या था, अपने पास क्या आया था, एन एफ टी सेल आया था, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ टी सेल, माइनस एन एफ टी सेल, ठीक है। इससे अब पहले हमने किसका निर्धारण किया था, डेल्टा जी का निर्धारण किया था, और डेल्टा जी में क्या था, माइनस डेल्टा जी इक्वल टू क्या आया था अपने पास, एन एफ टी सेल, क्या आया था अपने पास, एन एफ टी सेल, या डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ टी सेल, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू क्या, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आया, माइनस एन एफ टी से, इसको लगा लिया समीकरण नंबर दो, इसको क्या लगा लिया, समीकरण नंबर दो। ये क्या है, समीकरण एक है, और डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ टी से, ये क्या है, समीकरण नंबर दो। अब समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू रख देंगे हम, देखिए क्या करेंगे हम, समीकरण एक व दो से डेल्टा जी की वैल्यू यहां और यहां पुट कर देंगे, तो देखिए क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस क्या है, बाकी है डेल, डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, माइनस एन एफ टी सेल, जी माइनस का चिन्ह आगे आ गया, ये क्या हो गया, डेल्टा एच माइनस टी डेल एन एफ टी सेल अपॉन क्या है, डेल टी है और एट कॉन्स्टेंट टी, ठीक
ठीक है, क्या आया डेल्टा जी की वैल्यू रखने से क्या आता है अपने पास, माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एन एफ ई सेल अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस एन एफ का भाग देंगे, क्या करेंगे माइनस एन एफ का भाग देने पर इसको क्या लगा लिया हमने, समीकरण नंबर तीन लगा लिया। ठीक है, तो समीकरण तीन में, समीकरण तीन में माइनस एन एफ का भाग देने पर, समीकरण तीन में किसका भाग देंगे, माइनस एन एफ, समीकरण तीन में माइनस एन एफ का भाग देने पर, तो ये देखो माइनस एन एफ अपॉन माइनस एन एफ ई सेल अपॉन माइनस एन एफ क्या हो गया, ये क्या हो गया एन एफ और एन एफ से कट गया, तो पीछे क्या बचा ई सेल। ठीक है, माइनस एन एफ से माइनस एन एफ तो कट हो गया, पीछे क्या बचा ई सेल, ई सेल इज इक्वल ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग दिया माइनस डेल्टा एच अपॉन एन एफ माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये भी माइनस का ये भी माइनस का क्या हो गया वापस से प्लस टी डेल एन एफ ई सेल अपॉन क्या है एन एफ। ठीक है, तो एन एफ से एन एफ कट गया, ये क्या हुआ ई सेल हो गया, क्या आया ई सेल। ठीक है, डेल ई सेल अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट क्या है ई सेल। ठीक है, तो ये क्या आया डेल ई सेल अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, यहाँ पे क्या आया ये डेल ई सेल अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या आया आपके पास, ई सेल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन एन एच प्लस टी डेल ई सेल अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, जहां जहां डेल ई सेल अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, या ये क्या कहलाता है डेल ई सेल अपॉन डेल टी, ये कहलाता है सेल का ताप गुणांक, जहां डेल ई सेल अपॉन डेल टी क्या कहलाता है सेल का ताप गुणांक, क्या कहलाता है सेल का ताप गुणांक, अब कहलाता है जहां डेल ई सेल अपॉन डेल टी क्या है सेल का ताप गुणांक है। अब तीन प्रकार से सेल का ताप गुणांक ज्ञात किया जा सकता है, तीन प्रकार से सेल का ताप गुणांक ज्ञात किया जा सकता है, या सेल का ताप गुणांक जो है वो तीन प्रकार का होता है, सेल का ताप गुणांक जो है वो तीन प्रकार का होता है। तो पहला देखते हैं उसको, धनात्मक
सेल गुणांक होने पर ताप में वृद्धि के साथ सेल विभव का मान बढ़ता है, धनात्मक। डेल ई सेल अपॉन डेल टी का मान जीरो से ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, डेल ई सेल अपॉन डेल टी ये क्या है, ताप गुणांक क्या है, धनात्मक है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, धनात्मक होगी। तो धनात्मक ताप गुणांक होने पर, धनात्मक ताप गुणांक होने पर, धनात्मक ताप गुणांक होने पर ताप में वृद्धि के साथ ताप में वृद्धि के साथ ताप में वृद्धि के साथ सेल विभव का मान भी क्या होता है, बढ़ता है, सेल विभव बढ़ता है, ताप में वृद्धि के साथ सेल विभव बढ़ता है। ताप में वृद्धि के साथ सेल विभव क्या होता है, बढ़ता है। ताप में वृद्धि के साथ सेल विभव जो है वो बढ़ता है। अब तीसरा क्या है, डेल ई सेल अपॉन डेल टी क्या हो, लेस देन जीरो हो, क्या हो, लेस देन जीरो हो, तो यानी कि इस ताप गुणांक का मान क्या है, जीरो से कम है, तो क्या हुआ, इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, है ना। तो ताप गुणांक का मान ऋणात्मक होने पर ताप में वृद्धि के साथ सेल विभव क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, सेल गुणांक, सॉरी सेल विभव क्या होगा, घटेगा। तो ऋणात्मक ताप गुणांक होने पर, ऋणात्मक ताप गुणांक होने पर, ऋणात्मक ताप गुणांक होने पर ताप में वृद्धि के साथ, ऋणात्मक ताप गुणांक होने पर ताप में वृद्धि के साथ सेल विभव क्या होता है, घटता है, सेल विभव घटता है, ठीक है। ऋणात्मक ताप गुणांक होने पर ताप में वृद्धि के साथ क्या होगा, सेल विभव घटता है, ठीक है। फिर अब देखिए यहां पे जो लास्ट समीकरण पे आया था अपने पास ई सेल, मैं वापस से लिख रही हूं उस लास्ट समीकरण को, ई सेल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन क्या था, एन एफ प्लस क्या था, टी डेल ई सेल अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट क्या था, पी था, ठीक है। अब देखिए ये जो ई सेल है वो तो आप किससे ज्ञात कर लेंगे, नॉच समीकरण से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ई सेल का मान ज्ञात होने पर तापक्रम और ये ताप गुणांक का मान, इन तीनों के मान ज्ञात होने पर हम डेल्टा एच का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। सेल विभव यानी कि ई सेल, ई सेल यानी कि सेल विभव, ताप गुणांक और तापक्रम ज्ञात होने पर एंथैल्पी परिवर्तन या फिर डेल्टा एच क्या हो सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। सेल विभव यानी कि ई सेल, ताप गुणांक और तापक्रम ज्ञात होने पर हम एंथैल्पी परिवर्तन यानी कि डेल्टा एच का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट आता है तीसरा कौन सा था, ऊष्मागतिकी मात्रक के इक्विलिब्रियम था, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे के इक्विलिब्रियम का निर्धारण जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।